प्यारे बच्चों, ओपन सर्किट दो प्रकार का बताया, नेगेटिव प्रेशर टाइप, पॉजिटिव प्रेशर टाइप। ये भी मैंने आपको बताया नेगेटिव प्रेशर कब होता है, पॉजिटिव प्रेशर कब होता फेस मास्क में। एलसीडीआर लगा हुआ है तो नेगेटिव प्रेशर रहता फेस मास्क में, एलसीडीआर जिसमें नहीं होता उसके फेस मास्क में पॉजिटिव प्रेशर बना रहता। अब आपको मैं इसका वर्णन करूंगा। सबसे पहले नेगेटिव प्रेशर वाले का वर्णन कैसे करना, तो आपको इसको सेल्फ कंटेन टाइप भी बोलते हैं, शॉर्ट में एससी सेट भी बोलते हैं। ये धोखा नहीं होना चाहिए, शॉर्ट में एससी सेट भी बोलते हैं और सेल्फ कंटेन टाइप पूरा नाम से भी बोलते हैं। तो आपको एससी सेट ओपन सर्किट सेल्फ कंटेन टाइप बी एच सेट का वर्णन बताओ रहा हूं, ध्यान से सुन ला। तो प्यारे बच्चों, इस सेट में मुख्य तीन भाग होते हैं। नंबर वन नॉर्मल एयर सिलेंडर, नंबर दो बैक प्लेट, नंबर तीन फेस मास्क। ये तीन मुख्य भाग होते हैं जिनको आपस में जोड़ने के लिए कपलिंग लगे रहते हैं और इनको हम एक सेट तैयार कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको नॉर्मल एयर सिलेंडर के बारे में समझाऊंगा। तो प्यारे बच्चों, नॉर्मल एयर सिलेंडर स्टील के बने होते हैं। स्टील तीन टाइप का होता है। नंबर वन स्टेनलेस स्टील, जिसके भांडे बर्तन बनाए जाते हैं। नंबर दो माइल स्टील सीट, जिसकी स्टील की चादरें बनी जाती है, जिनके बॉक्स वगैरह या हमारे फायर एक्सटिंग्विशर भी उसी के मोड़ करके वेल्डिंग करके बनाए जाते हैं, बॉक्स वगैरह बने इत्यादि। नंबर तीन माइल स्टील सीट, माइल स्टील सीमलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील भाने बर्तन वाला, माइल स्टील की चादरें बनती है, और सीमलेस स्टील जो गला करके फैक्ट्रियों में डाई के अंदर गलाते हैं और डाई के अंदर सिलेंडरों को बनाया जाता। तो प्यारे बच्चों, जितने भी गैस के सिलेंडर होते हैं जिनमें गैस भरी रहती है, गैस प्रेशराइज्ड होती है, ताकतवर होती है, इनके सिलेंडर हमेशा सीमलेस स्टील के बने होते हैं। इनको डाई के अंदर लिक्विड बनाकर के डाला जाता और जितनी बड़ी या छोटी डाई के अंदर में डाई होती है उतना बड़ा हमारा सिलेंडर पैदा तैयार किया जाता। तो मैंने आपको बताया कि सिलेंडर जो हवा का होता है वो भी सीमलेस स्टील का होता, इसमें कोई जोड़ नहीं होता, ये डाई के अंदर बना होता। स्टील को जब हम टेम्परेचर देते तो 800 डिग्री पे ये अपना संतुलन खोड़ देता, इसकी ताकत कम हो जाती है, और 300 डिग्री टेम्परेचर पर ये लिक्विड में हो जाता। जो लिक्विड डाई के अंदर जाता और ठंडा हो करके उसकी सिलेंडर की शक्ल में तैयार हो करके बाहर निकाल देते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले बीएचएट में जो हवा के सिलेंडर लगते हैं, ये सिलेंडर तीन कैपेसिटी के होते हैं। नंबर वन 2240 लीटर वाला होता, जिसको 132 बार पर स्क्वायर सेंटीमीटर के प्रेशर पे ठोक के भर के रख दे। नंबर दो 1800 लीटर वाला होता, जिसको 200 बार पर स्क्वायर सेंटीमीटर के प्रेशर पे भर करके रखते हो। नंबर तीन 2250 लीटर का होता, जिसका भी 200 बार पर स्क्वायर सेंटीमीटर के प्रेशर पे ठोक करके भर के रखते हो। तो आपको बताया मैंने बीएसएट में तीन कैपेसिटी के सिलेंडर होते हैं। स्मॉल 1240 लीटर, 132 बार पर स्क्वायर सेंटीमीटर के प्रेशर पे भरा रहता है। 1800 लीटर मीडियम, 200 बार पर स्क्वायर सेंटीमीटर के प्रेशर पे भरा होता है। और तीसरा जो बड़ा लार्ज वाला होता, वो 2250 लीटर कैपेसिटी का हवा का सिलेंडर होता, जो 200 बार पर स्क्वायर सेंटीमीटर के प्रेशर पे भरे रहते हैं। कंप्रेस करके यानी कि ठोक करके इसको एक किस्म से लिक्विड में इसके अंदर कर देते हैं। जो ज्यादा गैस हम
इसके अंदर डाल सकते हैं। तो आपको एक दूसरी बात और समझना है कि एक लीटर जहां लिक्विड पानी आता, एक लीटर के अंदर हमारी 200 लीटर गैस लिक्विड में भर जाती है, यानी कि हम सिलेंडर के अंदर इस गैस को लिक्विड में भर करके रखते हैं। 200 बार का प्रेशर जब हम देते हैं तो ये तरल में हो जाता, यानी कि एक लीटर लिक्विड की जगह पे 200 लीटर गैस हमारी रहती है। 1800 लीटर गैस वाला 9 लीटर पानी आएगा तो 1800 लीटर उसमें हवा आएगी। तो चलो ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया। हवा के बारे में मैंने आपको बताया, ये 3 कैपेसिटी के जो सिलेंडर है ये प्रेशर से भरे रहते हैं। अब इनके पहचान क्या है? तो हवा की सिलेंडर, हर गैस की सिलेंडरों का कलर कोड सबका अलग अलग होता। तो हवा का सिलेंडर का कलर कोड स्लेटी कलर की इसकी नीचे बॉडी होगी और ब्लैक एंड व्हाइट इसकी गर्दन में धारी होगी। दूर से हम कह सकते हैं ये नॉर्मल एयर का सिलेंडर है। हर एक गैस के सिलेंडरों का कलर कोड अलग अलग होता है, जिससे हम बाहर से पहचान देते हैं कि इसके अंदर कौन सी गैस होगी। तो मैंने आपको सिलेंडरों की कैपेसिटी बताया, इनका प्रेशर बताया, इनका कलर कोड, सिलेंडर का कलर कोड बताया, सिलेंडर किस मेटल का बना हुआ है ये भी आपको समझाया। अब ये है कि सिलेंडर में, जो सिलेंडर हमारे नॉर्मल एयर का है, इसमें और क्या क्या पार्ट्स असेंबल है, असेंबल पद के तौर पे फिट है, जब डाई में फिट कर दे तो बेटा एक वाल असेंबली होती है,